नमस्कार दोस्तों, देख सकते हैं कि ये कोल्ड स्टोरेज प्लांट बन रहा है। अभी ये कैपेसिटी जो है इसकी लगभग 1.5 लाख के आसपास है और इसमें 3 चैम्बर है। तो ये अभी इसका बिल्डिंग से जो काम है वो अभी हो रहा है। देख सकते हैं कि RCC नहीं है, ये चौरस जो गार्डर है वो यहाँ पर लगाया हुआ है। कई जगह इसके पाइप्स का भी यूज होता है और देख सकते हैं कि नीचे भी एक जीरो है। नीचे ये भी प्लेन में है और नीचे एक फ्लोर नीचे है और ऊपर 4 फ्लोर ऊपर होगा। और देख सकते हैं काम चल रहा है और उधर प्लास्टर का काम चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आपको ऊपर दिखाता हूं दोस्तों कि ऊपर दूसरी फ्लोर में कितना काम हुआ है यहां पर। तो यहां का लोकेशन मैं मेंशन नहीं करूंगा, केवल आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह कोल्ड स्टोरेज को बनाया जाता है। और क्रेट जो है यहां पर क्रेट अभी लग रहा है और इधर से अभी घेराव पूरी हुआ नहीं है। तो ये शुरुआती स्टेज में काम अभी चल रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये दूसरी जो फ्लोर है और तीसरी फ्लोर तक जो क्रेट का काम है ये हो चुका है। और एक जीरो में है जहाँ प्लेन से नीचे में है जो ग्राउंड है, तो वहाँ भाई ये लेकर तीसरी हो गया, चौथी पर ये काम चल रहा है। तो एक फ्लोर ऊपर और बनेगा तो ये 5वीं मंजिल का हो जाएगा। तो अभी देख सकते हैं कि अभी काम चल रहा है ऊपर। आपको मैं यहाँ चढ़ के दिखा देता हूँ कि कैसे काम चल रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ अभी क्रेट लग चुका है लगभग, इधर थोड़ा बाकी है और दूसरी चैम्बर है उसका काम चल रहा है। तीसरी चैम्बर का अभी बाकी है वहाँ तक। तो दूसरी चैम्बर का देख सकते हैं कि यहाँ पर काम चल रहा है। ये जो फर्स्ट चैम्बर है इसका काम लगभग चौथी फ्लोर तक कंप्लीट हो चुका है और ऊपर का अभी ये फोर्थ फ्लोर होगा। यहाँ पर जब आएगा तो फोर्थ फ्लोर होगा, उसके ऊपर इवेपोरेटर लाएगा। तो अभी काफ़ी काम बाकी है यहाँ पर। तो देख सकते हैं कि इस साइड में मशीन रूम का काम चल रहा है, आपको दिखा देता हूँ। ये इस साइड में मशीन रूम का काम चल रहा है और यहाँ मशीन रूम की जो बिल्डिंग्स हैं नीचे से तैयार हो रहा है, ग्राउंड से उठ रहा है। और यहाँ कंप्रेसर के लिए फाउंडेशन भी बन रहा है, यहाँ आपको दिखा देता हूँ कंप्रेसर के लिए फाउंडेशन बन रहा है। ठीक है, नीचे ये काम चल रहा है मशीन रूम का। तो आप में से कई लोगों ने इस तरह या बनते हुए कोल्ड स्टोरेज को नहीं देखा होगा, तो मैं सोचा कि मैं आया हूँ यहाँ घूमने के लिए तो इसका वीडियो भी मैं बना दूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरह भी ये बनता है। और यहाँ इस तरह का जो लोहे का गार्डर होता है ये RCC के बदले यहाँ पर खड़ा किया जाता है, तो इस तरह भी बनता है। बीच में देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ये RCC है। ठीक है, दीवार में जो है RCC उठ रहा है नीचे से और बीच में जो है सभी गार्डर्स लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ आगे भी दिखा देता हूँ कि ये दूसरी चैम्बर है यहाँ पर, ये दूसरी चैम्बर है। तो गार्डर का काम चल रहा है उधर और यहाँ पर अब धीरे धीरे इसका काम चल रहा है। और क्रेट अभी पूरी तरह लगा नहीं है, वैसे धीरे धीरे लग जाएगा क्रेट यहाँ पर। ठीक है, तो आपको नीचे चल के एक बार मशीन का जो काम हो रहा है वो आपको दिखा देता हूँ। चलिए नीचे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों कि ये दूसरा चैम्बर है तो, और उधर एक तीसरा चैम्बर भी है। तो अभी वहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा
काम चल रहा है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। और यहाँ देख सकते हैं कि गार्डर को वेल्ड किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, कि हम अभी मशीनरूम में अभी है, मशीनरूम बन रहा है। तो ये कंप्रेसर के लिए फाउंडेशन बना हुआ है और यहाँ भी एक बन रहा है, मतलब दो फाउंडेशन बन रहे हैं यहाँ पर। दो फाउंडेशन में एक 4 होगा और एक 3 होगा, और एक एलपीआर सिस्टम के लिए वहाँ पर गड्ढा खोदा गया है। इधर सफाई हो रहा है इसमें कंडेंसर के लिए, यहाँ से लेकर देख सकते हैं और यहाँ तक ये मशीन रूम है, और इस साइड में यहाँ कंडेंसर बनेगा। तो कंडेंसर जो बन रहा है यहाँ ऊपर होगा, ग्राउंड लेवल से ऊपर ही होगा, नीचे ज़मीन के अंदर में नहीं होगा। तो ये ऊपर इसका थोड़ा ऊंचाई कर दिया जाएगा 8-9 फुट, और उसमें वो कंडेंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों।